मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बरसों पुराने मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग हॉस्टल के एक कमरे में आग लगने से आक्रोशित नर्सिंग कोर्स कर रही लड़कियां ज्ञापन लेकर पहुंची कमिश्नर कार्यालय। वहां पर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। हमारी टीम ने उनसे बात की। बरसों पुराना हॉस्टल, एक कमरे में 15 से 20 लड़कियां, किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के चलते मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग कोर्स कर रही लड़कियां पहुंच गई रीवा कमिश्नर के पास। उनकी मौजूदगी में कलेक्टर रीवा को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई की बात कही। हमारी टीम ने लड़कियों से मेरे स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नर्सिंग हॉस्टल मेडिकल कॉलेज रीवा की ये छात्राएं हैं, नर्सिंग का ट्रेनिंग कर रही हैं। अभी कल एक बड़ी घटना हुई, ये हॉस्टल के जिस कमरे में रहती थी वहां आग लग गई थी। उस आग की वजह से एक लड़की का पूरा सामान जल के खाक हो गया था। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, 20x20 का कमरा है, उसमें 17 लड़कियां रहती हैं। बगल में एक स्टोर है, पानी का कोई इंतजाम नहीं, गर्मी में ठंड में एक ही समय में सबको तैयार होना पड़ता। मैं सही कह रहा हूँ? अब आप क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम नर्सिंग स्टूडेंट सिर्फ हॉस्टल की मांग करने के लिए आए, ना हमारे पास हॉस्टल है और ना कॉलेजेस हैं। एक रूम में 17 लड़कियां रहती है तो शॉर्ट सर्किट तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट सर्किट होगा। आज तक 4 साल से हम डीन सर से ये बात कर रहे हैं कि हमें हॉस्टल कम मिलेगा, लेकिन हमेशा हमें आश्वासन दे दिया जाता है। हम जानते हैं, डीन सर ने कल हमें आश्वासन दिया कि एक रात में बिल्डिंग नहीं बन सकती। वो हमें भी पता है कि एक रात में बिल्डिंग नहीं बन सकती, डीन सर का कहना सही है, लेकिन 4 साल से हम ये बात कर रहे हैं। पिछली बार भी हॉस्टल में पानी भर गया था, रूमों में करंट आता है। पिछले बार भी एक समस्या आई थी, हॉस्टल में पानी भर गया था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, लगभग 60 साल पुरानी वो बिल्डिंग है, बारिश के दिनों में इस तरीके से टपकती है जैसे छत हो ही ना। बताइए जी, पिछले साल जब ये पानी वाला समस्या हुआ था, हमारी नाइट ड्यूटी लगी थी, हम जैसे ही रूम में आके अपना रूम खोले, पूरे रूम्स में पानी भरा हुआ था। हमने फिर से डीन सर से कंप्लेन की थी, डीन सर ने हमारे हॉस्टल में आए और राउंड किया था, लेकिन उन्होंने हमको बोला 15 दिन में हमें नया हॉस्टल मिलेगा, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने एप्लीकेशन में अपनी कंप्लेंट्स लिखी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। आज तक 4 साल निकल गए, हमारा 4th ईयर चल रहा है, पर आज भी डीन सर हमको यही हमेशा यही बोलते आए हैं कि हर 15 दिन में नया हॉस्टल मिलेगा, नई सुविधाएं मिलेंगी, और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बताइए। यस सर, बात सही है सर। और जब हम हॉस्टल के लिए कल हमारे यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, जब हमारे द्वारा डीन सर को कहा गया सर हमें नई हॉस्टल चाहिए, तो बोले साहब तुम लोग के लिए कोई भी स्टाइपेंड कुछ भी अदर से नहीं आता है, हम लोग भी जो देते हैं तो देते हैं, तुम लोग जिसको नहीं हो रहा है तो वो बाहर जाके रख। सर हमें ये बड़ी बात आपने कही, आश्वासन तो डीन ने दिया ही, साथ साथ ये भी अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर आपको यहाँ रहना तो ठीक है, नहीं तो आप और कहीं अपना इंतजाम कर सकते हैं। जबकि ये लड़कियां, एक बार मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, केवल और केवल आम आदमी की सेवा के लिए है। ये उनके लिए, इनके लिए व्यवसाय नहीं है नर्सिंग, इनके लिए एक सेवा है, बीमार की सेवा करने का ये काम करती है, उसकी ये ट्रेनिंग ले रही है। बताइए। और कल डीन साहब ने ये भी बोला, जो नए हॉस्टल बने हैं वो बोला है कि वो MBBS के लिए हैं। जब नर्सिंग के लिए कोई फंड ही नहीं आता तो नर्सिंग की सीट बढ़ाई क्यों जाती है? डीन सर ने क्लियरली ये बोला है कि पिछले 4 साल से नर्सिंग के लिए कोई फंड नहीं आ रहा है। अगर कोई फंड नहीं आ रहा है तो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी और किस रिस्क पे हम बच्चों से इतनी ड्यूटी कराई जाती है? ये तो वही डीन की बात। आज आप यहाँ पर मौजूद है, कमिश्नर बनने के ठीक सामने मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किससे आप मिली, क्या आश्वासन मिला? हम यहाँ पे कलेक्टर सर से मिले हैं, सर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर में तुरंत एक्शन लिया जाएगा, फ्रीक्वेंटली काम किया जाएगा और आप लोग को नया हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर ये बातें भी पूरी नहीं हुई तो अब हम कहाँ जाएंगे? कलेक्टर रीवा से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर आपकी समस्या का हम समाधान कर देंगे, मैं मौके पर आऊंगा। अब पिछले 4 साल से, जैसे मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, उसने कहा मेरा 4th ईयर है, 4 साल से इनको केवल और केवल हॉस्टल के आश्वासन पर 4 साल बीत गए, पूरी पढ़ाई कंप्लीट होने को आई, फिर से 1.5 महीने का आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनको किस तरीके से हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होती है, या एक बार फिर से उसी पुराने हॉस्टल में जो गिरने के कगार पर है उसी में ये लोग रह के अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करती है। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।